परम सम्मानित मंच, आदरणीय निर्णायक मंडल एवं प्रबुद्ध श्रोताओं, नमस्कार। दिए गए विषय विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत सफल या असफल पर मैं अपने विचार लेकर उपस्थित हूँ। महोदय, दिए गए विषय के आलोक में सर्वप्रथम हमें यह समझने की आवश्यकता है कि विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत का आशय क्या है और उसे सफल या असफल के खांचे में डालकर देखना कहाँ तक न्यायोचित है। महोदय, विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत का स्पष्ट आशय यह है कि वर्तमान वैश्वीकरण के युग में भारत अंतर्राष्ट्रीय बहिष्करण और संरक्षणवाद को परे रखकर वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को अपने में आत्मसात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना रखकर स्थानीयता के आयाम को महत्व प्रदान करे, जिससे भारत आंतरिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर विश्व की प्रगति एवं विकास की प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होकर विश्व बाजार में अपनी अग्रिम भूमिका निभा सके। परंतु महोदय, वर्तमान समय को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत को सफल या असफल की दृष्टि से देखना अतिशीघ्रता होगी, क्योंकि आत्मनिर्भर का होना अपने आप में ही चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, जिसे क्षण भर में साकार कर पाना असंभव सा होगा। अब वहीं यदि मैं देश हित के लिए इस दीर्घकालीन लक्ष्य के प्राप्ति की बात करूं तो यह मुख्यतः 5 स्तंभों पर आश्रित है। पहला अर्थव्यवस्था है, जो कि प्रगतिशील परिवर्तन के स्थान पर सतत बड़ी उछाल पर आधारित होनी चाहिए। दूसरा अवसंरचना है, यानी ऐसी आधारभूत अवसंरचना का निर्माण हो जिससे व्यक्तियों के मानस पटल पर आधुनिक भारत की छवि अंकित हो सके। तीसरा प्रौद्योगिकी है, इस क्षेत्र में भारत को नवीन से नवीन तकनीकी संचालित प्रौद्योगिकी व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। चौथा गतिशील जनसांख्यिकी है, इस क्षेत्र को इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए जिससे यह आत्मनिर्भर भारत के लिए अपार ऊर्जा का स्रोत बन सके। इन सब स्तंभों के बावजूद एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो कि मांग है, जिसके अंतर्गत भारत के मांग एवं पूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। परंतु महोदय, वहीं यदि वर्तमान परिदृश्य का भलीभांति अवलोकन किया जाए तो यह ज्ञात होगा कि COVID-19 वैश्विक महामारी के दुष्परिणाम स्वरूप वर्तमान भारत ही नहीं, विश्व की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भारी से भारी क्षति हुई है, जिसके फलस्वरूप बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, लघु एवं कुटीर उद्योगों का स्थानीय क्षेत्रों से मानो सूपड़ा ही साफ हो गया हो, जिसके चलते आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में भारत को निश्चित ही संभावित चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। और वे संभावित चुनौतियां लागत एवं गुणवत्ता के रूप में, आर्थिक समस्या के रूप में, आधिकारिक संरचना के रूप में एवं वैश्विक मानक के रूप में भारत के समक्ष साक्षात खड़ी दिखाई देंगी। परंतु महोदय, हमारे भारत का इतिहास साक्षी है कि जब कभी भारत ने ऐसी विकट परिस्थितियों का सामना किया हो, जैसे कि चाहे वह 1947 की स्वतंत्रता क्रांति हो, या 1991 व 2008 की आर्थिक मंदी हो, या 1943 में बंगाल का अकाल हो, इन सभी विकट परिस्थितियों का सामना भारत के सपूतों ने बड़ी ही दृढ़ता और बुद्धिमत्ता के साथ करके भारत को उन्नति की ओर अग्रसित किया है। अतः महोदय, स्वतः स्पष्ट है कि वर्तमान भारत भी गांधी जी के द्वारा बताए गए भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले लघु एवं कुटीर उद्योगों की उन्नति के मूल मंत्रों को अपने में आत्मसात करते हुए भारत आत्मनिर्भर ही नहीं, विश्व गुरु भी बन सकता है। और अंत में समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में वर्तमान सरकार को संभावित चुनौतियों को रेखांकित करके सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सके। धन्यवाद।